एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ दिल्ली के एक मॉन्यूमेंट जिसका नाम है पुराना किला। ये जो किला आप देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक तौर पर बहुत ज़्यादा मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। इसका निर्माण सन 1538 से 1545 के बीच शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था। ये किला हिंदू, मुस्लिम और अफगानी धर्म से जुड़ा हुआ है। ये जो सामने आप गेट देख रहे हो, इसकी ऊंचाई लगभग 24 से 30 फीट की है। ये बहुत ही भारी गेट है, जो कि आज के समय में देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इसका नाम बड़ा दरवाजा रखा गया था। यहाँ जो लाल पत्थर दिख रहे हैं, वो राजस्थान के पहाड़ों से काट कर लाए गए हैं। इस किले में आने के तीन रास्ते हैं, एक उत्तर की तरफ से, एक दक्षिण की तरफ से और एक पश्चिम की तरफ से। जिस रास्ते से हम अंदर आ रहे हैं, वो पश्चिम का रास्ता है, जिसे बड़ा दरवाजा कहते हैं। ज़्यादातर यहाँ लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। यहाँ की जो दीवारें लगभग 20 से 25 मीटर की हैं, इनको सिक्योरिटी पर्पस से बनाया गया है, ताकि जो भी बाहरी आक्रमण हो, वो सीधे तौर पर ना हो सके। पुराना किला उस जगह उपस्थित है जहाँ पहले कभी इंद्रप्रस्थ नाम की जगह हुआ करती थी। सबसे पहले कौरवों से पांडवों ने रहने की जगह मांगी, तो उन्हें ये जगह दी गई थी, जिसका नाम रखा गया था इंद्रप्रस्थ, जो कि पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। और इसी जगह अब बना हुआ है पुराना किला। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलता है राजा की बावली, जहाँ से लोग पानी निकालते थे। और उसके बाद हम देखेंगे शेर मंडल, जो कि हुमायूं का पुस्तकालय भवन भी था। उसके बाद हम देखेंगे कुछ एक्सकेवेटेड चीज मिलेंगे, जहाँ पे महाभारत के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। देन हुमायूं का दरवाज़ा। और आगे बढ़ते ही हम एक देखेंगे, एक मैप बना हुआ है जहाँ पे, जिसमें ये बताया गया है कि इस किले में एंटर करने के तीन रास्ते हैं। सबसे पहला पश्चिमी दरवाजा, जिसको बड़ा दरवाजा के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक लेफ्ट में दरवाजा है, जिसको ताला के दरवाजा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद एक है राइट में आपको हुमायूं दरवाजा। 1539 में चौसा के युद्ध के दौरान सूर राजवंश के संस्थापक शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया था। जीत की खुशी में उन्होंने ये किला बनवाया था। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ, ये एक मस्जिद है, जिसको मैं आगे से आपको दिखाती हूँ। उन्होंने ये किला दिल्ली से मुगलों को सुरक्षित रखने के लिए बनवाया था। दुर्भाग्यवश 1545 में उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद हुमायूं ने आगरा और दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। ये मस्जिद, जिसका निर्माण शेर शाह सूरी ने 1541 में करवाया था, इसका प्रयोग उस समय नमाज पढ़ने के लिए किया जाता था, जिसका नाम था किला ए कुना मस्जिद। इसको बनाने में लाल और पीले रंग के बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, और संगमरमर की नक्काशी की गई है, जिसमें सफ़ेद और काले रंग के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ज़्यादातर इसका निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। ये मस्जिद अपने आप में बहुत सुंदर बनवाई गई है। दिल्ली के विजिटिंग प्लेस में सबसे पुराना है पुराना किला। यहाँ के संगमरमर के डिज़ाइन उस समय के आर्किटेक्चर का बहुत सुंदर उदाहरण है। प्रेजेंट टाइम में आर्किटेक्चर के लिए शायद ये अब बनाना बहुत मुश्किल काम होगा। यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं कपल और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ये आप देख सकते हो, सफ़ेद रंग के संगमरमर से बहुत अच्छी डिज़ाइन कारीगरी की गई है। ये वाइट संगमरमर अभी इतने खूबसूरत लग रहे हैं, तो उस समय कितने चमकीले होंगे, आप सोच सकते हो। आप इसे ध्यान से देखिए, मैं इसे जूम करती हूँ। जब हम मस्जिद से नीचे उतरते हैं, तो आपको ये जगह देखने को मिलती है। यहाँ पर एक छोटी सी गुफा है, जहाँ आसपास आप देखेंगे काफ़ी कपल बैठे मिलते हैं, और लोग अपना यहाँ पर आकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो चलिए, हम उन्हें उनका टाइम स्पेंड करने देते हैं और ऊपर चलते हैं।
चलिए अब मैं आपको शेर मंडल की सैर कराती हूँ, जहाँ पे हुमायूं की मृत्यु हो गई थी सीढ़ियों से गिरकर। आइए। सभी कहते हैं वो ये शेर मंडल को अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते थे, और उसके बाद उन्होंने इसे पुस्तकालय भवन बना दिया जहाँ पे वो पढ़ाई करते थे। और एक दिन पढ़ाई करते करते वो जब नीचे सीढ़ियों से उतर रहे थे, वहीं पर उनका पांव फिसला और वो गिर गए और उनकी वहीं पे डेथ। और अब हम पहुँच गए हैं शेर मंडल। यहाँ पर आपको शेर मंडल से जुड़े कुछ तथ्य मिलते हैं, और आप सामने देख रहे हो, ये रहा शेर मंडल। शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण 1541 में करवाया था, और इसे वह अपने मनोरंजन के तौर पर इस्तेमाल करता था। इसे बनवाया गया था शेर शाह सूरी द्वारा, इस वजह से इसका नाम शेर मंडल पड़ गया। और उसके बाद हुमायूं इसको अपने म्यूजियम और पुस्तकालय के रूप में इस्तेमाल करने लगा। जैसा कि माना जाता है 1556 में हुमायूं इसकी सीढ़ियों से गिर गया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसको 2 फ्लोर में बनवाया गया था। अब हम देख रहे हैं ये है बावली। इस बावली से लोग पानी निकालते थे। चलिए अब हम चलते हैं हुमायूं के दरवाजे की तरफ। ये रहा हुमायूं दरवाजा। इसको बनवाने का कुछ क्रेडिट शेर शाह सूरी को भी जाता है। इसके अंदर जाने के 2 रास्ते हैं, एक ऊपर की तरफ से और एक नीचे की तरफ से। इसके ऊपरी हिस्से के पीछे बहती हुई यमुना नदी थी, जो कि आज के समय में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। यहाँ आकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा महसूस होता है कि हम इतिहास में जाकर स्पष्ट चीज़ों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी यहाँ पर आएं और चीज़ों को देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।